तो भाई लोगों, टाइगर श्रॉफ की हिट फ्रेंचाइजी बागी 4 पे काफ़ी बड़ा अपडेट आया है। और दोस्तों, टाइगर श्रॉफ यहाँ पर बागी 4 से एक बार फिर बड़े पर्दे के ऊपर एक्शन के रूप में छाने को तैयार है। तो क्या है दोस्तों पूरी न्यूज़, आइए डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। सो दोस्तों, बागी के यार अभी तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं और तीनों ही पार्ट्स अच्छे खासे बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट भी रहे हैं। और टाइगर श्रॉफ का एक तरह का अलग ही अंदाज हमें एक्शन के अंदर दिखाई दिया है और काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी मिला है और ऑडियंस का भर भर के प्यार भी मिला उनको। तो यार बागी फ्रेंचाइजी के जो प्रोड्यूसर है दोस्तों, हम सभी को पता है सार्डिन नाडियावाला है और वो बहुत ही जल्द टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 4 के ऊपर काम करने जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है यार दोस्तों के बागी 4 की जो शूटिंग है वो नवंबर में स्टार्ट हो जाएगी। माना तो ये भी जा रहा है कि यार बागी 4 बागी फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म होगी। यहाँ पर चाहे उसको एक्शन के तौर पर देखो या फिर इसकी कास्टिंग के हिसाब से देखो, फिल्म का बजट भी काफ़ी ज़्यादा हाई बताया जा रहा है। साजिद नाडियावाला इसको एक अलग ही लेवल पर लेके जाने की तैयारी में है और रोनी का कैरेक्टर जो कि यार टाइगर श्रॉफ का है, उसको भी थोड़ा ग्रूमिंग करेंगे और उसको भी और भी ज़्यादा स्टाइलिश करने की तैयारी है। सो यार बागी के फर्स्ट पार्ट को डायरेक्ट किया था शब्बीर खान ने, वहीं सेकंड और थर्ड पार्ट को डायरेक्ट किया था अहमद खान ने। सो दोस्तों, बागी 4 को डायरेक्ट करने वाले हैं कन्नड़ सिनेमा के हर्ष। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में बनाई है। बागी 4 भी यार बॉक्स ऑफिस के ऊपर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। अगर बागी की फ्रेंचाइजी की बात करें, अगर इसके पिछले 3 पार्ट्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उठा के देखें तो काफ़ी धमाकेदार है। सो यार बागी की पहली इंस्टॉलमेंट यानी फर्स्ट पार्ट आया था 2016 के अंदर और इस फिल्म का बजट था लगभग 37 करोड़ के आसपास। वहीं इस मूवी ने यार वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 129 करोड़ के आसपास, जो कि धमाकेदार था। और उस टाइम पर यार टाइगर श्रॉफ बिल्कुल न्यू कमर थे, उनकी शायद दूसरी या तीसरी ही फिल्म थी। सो यार सेकंड पार्ट आया था 2018 के अंदर और बागी 2 ने यार बॉक्स ऑफिस के ऊपर हल्ला ही मचा दिया था। बहुत ही बम्पर कमाई देखने को मिली थी। इसका बजट लगभग 58 करोड़ या 59 करोड़ था और इसने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 258 करोड़ किया था, जो कि बहुत ही शानदार था। थर्ड पार्ट आया था 2022 के अंदर और इसका बजट था 87 करोड़ के आसपास। वहीं इस मूवी ने यार वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 137 करोड़ के आसपास। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि इस मूवी के टाइम यार पेंडेमिक लग गया था और थिएटर और पूरा देश ही बंद था, तो ये मूवी क्या ही कलेक्शन करके देती। फिर भी यार इस मूवी ने अच्छा खासा कलेक्शन करके दिया था। बागी 3 ही एक ऐसी मूवी थी जहाँ पर टाइगर श्रॉफ का करियर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद जिन्होंने जितनी भी फिल्में की लाइक गणपत मूवी हो, हीरोपंती हो या BMCM हो, हर एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर मुंह की ही खाई। ये तीनों ही फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप ही रही है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं बागी 4 एक बिगेस्ट धमाका और बिगेस्ट कमबैक होगा टाइगर श्रॉफ के लिए। वैसे बागी 4 से पहले टाइगर श्रॉफ हमें सिंघम अगेन के अंदर भी दिखाई देंगे। उन मूवी के अंदर यार उनका एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है जिसका नाम होगा इंस्पेक्टर सत्या, और काफ़ी धमाकेदार तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के अंदर यहाँ पर धमाकेदार एंट्री होने वाली है। तो देखते हैं दिवाली के ऊपर टाइगर श्रॉफ कितना इम्पैक्ट छोड़ पाते हैं। सो दोस्तों, ये था यार बागी 4 से रिलेटेड अपडेट वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।